कोरोना संक्रमण का फैलाव शहर में लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर में अब ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा है जहां वायरस ने हमला ना किया हो। इसकी चेन लगातार लंबी होती जा रही है, जिसे तोड़ने का बीड़ा अब व्यापारियों ने खुद उठाया है, जिसके चलते मुकादमगंज व्यापारी संघ ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया था, जिसके चलते आज से 3 दिन तक अपने अपने प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद रखे जाएंगे। वहीं आज गलगला गोरंदी और मुकादमगंज बाजार भी बंद रखा गया। संघ के अध्यक्ष भीमलाल गुप्ता ने बताया कि बीते 15 दिनों में कोरोना से संघ के 5 सदस्यों की असमय मौत हो गई है। करीब 50 व्यक्ति क्वारंटाइन और आइसोलेट हैं। स्थिति को देखते हुए व्यापारी संघ ने 3 दिनी स्वैच्छिक बंद का आह्वान किया है। इससे मुकादमगंज बाजार के करीब 250 से 300 दुकानें बंद रहेंगी। जो ये बंद का आह्वान किया गया है, या व्यापारी ने दुखी मन से किया है, कोई खुश मन से नहीं किया है, क्योंकि कोरोना की स्थिति बहुत भयानक हो चुकी है पूरे देश में, और सभी जगह इतनी ज़्यादा स्थिति खराब है कि ना तो कहीं अस्पतालों में जगह है और ना कहीं भी इलाज सही ढंग से हो रहा है। इसका खामियाजा हमारा संघ भी भुगत रहा है। हमारे संघ में पिछले 10 दिनों में करीब करीब 6 मौतें हो चुकी हैं, और उन सबको मौत तो सबकी सत्य है, लेकिन इनकी सुरक्षा को लेकर हम लोगों ने 3 दिन का बंद रखा है। अगर संक्रमण के चेन यहाँ टूटने में कहीं कोई संदेह होता है तो इसका यह अवकाश और आगे बढ़ाया भी जा सकता है। अभी बंद का असर सिर्फ मुकादमगंज में देखा गया है, तो इसमें क्या कहना आपका कि बाकी मार्केट अभी खुले दिख रहे हैं? बंद का असर देखिए साहब, ऐसा है कि जिसको दर्द है इलाज वही चाहेगा। हमारे इधर 6 व्यापारी खत्म हुए हैं, तो हम अपनी जवाबदारी पूरी लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अकेले मुकादमगंज बंद है। हमारा गांधीगंज ही बंद है, हमारा गोरंदी ही बंद है, आज हमारा पूरा गलगला प्रिंस स्ट्रीट सब बंद है, और ऐसा कई शहर